हनुमान जी की श्रद्धा से पूजा करने पर वह शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और कलयुग में सबसे ज्यादा लोग उन्हीं की भक्ति करते हैं। मान्यता है कि पवन पुत्र अजर अमर हैं और उनकी पूजा करने से पहले जो भगवान राम का स्मरण करता है उसकी अर्जी बजरंग बली सबसे पहले सुन लेते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान बाहु, संकट मोचन, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। पवन पुत्र के इन पाठों में से आज हम बात करेंगे बजरंग बाण के बारे में कि क्या इसका पाठ रोज करना चाहिए या नहीं, आइए जानते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए विशेषकर मंगलवार और शनिवार को ये पाठ करना उत्तम माना गया है। बजरंग बाण पाठ को विधि पूर्वक करने से दर्द, रोग, गृह दोष दूर होते हैं। आइए जानते हैं कब करना चाहिए बजरंग बाण का पाठ और इसके क्या हैं लाभ। मान्यता है कि बजरंग बाण का पाठ हनुमान जी के सबसे शक्तिशाली पाठों में से एक है। यदि आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, तब आप हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। इस पाठ में एक दोहा है जिसमें हनुमान जी को राम जी की सौगंध दी जाती है कि आप संकटों को हरने वाले हैं। दोहा इस प्रकार से है, इन्हीं मारो तो ही शपथ राम की, राखो नाथ मर्जाद नाम की, जनक सुता हरिदास कहा वो, ताकि शपथ विलम्ब न लावो। इसलिए कहा जाता है कि जब प्राण संकट में हो तभी बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। यदि आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इसे नियम पूर्वक शुद्धता से मंगलवार के दिन लाल आसन पर बैठ कर करें और अंत में जो भूल चूक हो गई हो उसकी क्षमा हनुमान जी से मांग लें। बजरंग बाण का पाठ करते समय उसका उच्चारण सही होना चाहिए और मन की एकाग्रता जरूरी हो इस बात का खास ध्यान रखें। बजरंग बाण के फायदे। भय, रोग, दोष से छुटकारा पाने के लिए, कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए, दुश्मनों पर जीत हासिल करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करते हैं। बजरंग बाण पाठ करने की विधि। मंगलवार या शनिवार को निमित्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लें। सूर्योदय से पहले स्नान के बाद हनुमान जी के प्रिय रंग लाल या नारंगी रंग के वस्त्र पहने, हनुमान जी की तस्वीर के समक्ष घी का दीपक जलाएं, बजरंग बाण का पाठ कुश के आसन पर बैठकर करें। ये पाठ शुद्ध उच्चारण के साथ और एक बार में ही पूरा करने का विधान है। अगली कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन क्लिक करना न भूलें।